पिपराइच और बेलीपार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी दस्तावेज तैयार कर दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने वाले कुंदन गैंग के 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अभियुक्तों में बलजीत कुमार सिंह पुत्र श्री भागवत यादव ग्राम छकोड़ी बीघा पोस्ट पाए भीगा थाना मखदीमपुर जिला जहानाबाद बिहार, सुबोध कुमार पुत्र बांसदेव प्रसाद पटेल नगर थाना लहरी जिला नालंदा बिहार, राजेश कुमार पुत्र कृष्ण कुमार ग्राम थल्लू बिहार थाना घोसी जिला जहानाबाद बिहार तथा राहुल कुमार पुत्र अमीरख प्रसाद ग्राम सिंधु थाना मनपुर जिला नालंदा बिहार शामिल हैं। ये लोग बिहार के ही रहने वाले कुंदन गिरोह के लिए काम करते हैं और सुबोध कुमार सरगना कुंदन का दाहिना हाथ है और जो आज पुलिस के हत्थे चढ़ा है, जिससे कई राज खुल सकते हैं। पुलिस ने इन लोगों के पास से फर्जी प्रवेश पत्र, 9 आधार कार्ड, 1 निर्वाचन कार्ड, 1 पैन कार्ड, 7 मोबाइल, 5 आधार कार्ड, 5 पासपोर्ट साइज फोटो तथा 8 ATM कार्ड व 400 रुपया बरामद किया है। पुलिस लाइन के सभागार में घटना का खुलासा करते हुए SP क्राइम अशोक कुमार वर्मा और CO क्राइम प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त SSP की परीक्षा में दूसरे के प्रवेश पत्र पर परीक्षा देने का काम करते हुए मुखबिर की सूचना पर पिपराइच पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP क्राइम अशोक कुमार वर्मा व CO क्राइम प्रवीण कुमार सिंह ने कहा, ये फर्जी परीक्षा देने के संबंध में एक सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश हुआ है। कल पिपराइच क्षेत्र अंतर्गत जंगल शोषण क्षेत्र में ई टेक्निकल कैंपस में परीक्षा आयोजित होना था, उसमें मुखबिर की सूचना में सटीक सूचना मिली, जिसके तहत 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये दो अभियुक्त जहानाबाद जिला बिहार से हैं, 2 नालंदा से हैं और इनके कब्जे से प्रवेश पत्र, पैन कार्ड, ये इलेक्शन संबंधी कागजात, मतलब ये नकली कागजात मिले हैं, उसी के संबंध में सबको गिरफ्तारी हुई है। किस चीज़ की परीक्षा थी? एक टेक्निकल कैंपस में वो परीक्षा था, नहीं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा थी, तो बराबर ये परीक्षाएं होती रहती हैं। तो इनका एक सक्रिय गैंग है, हाँ, मेन परीक्षार्थी बलजीत था उसके एवज में, और दूसरा कोई उसमें बैठ रहा था और बाकी उसके सहयोगी थे उसमें। फिलहाल वह अभी सब विवेचना का विषय है। अभी तक जो गिरफ्तारी हो पाई, अभी तक जो जानकारी हो पाई है वो आपके सामने है, बाकी बहुत कुछ अभी विवेचनाधीन है। जो आपका प्रश्न है वाजिब है, वहाँ तक भी हम लोग को पहुँचना है, विवेचना से बहुत ढेर सारी चीज़ें सामने आएंगी। सुबोध कुमार डीलिंग का काम करता है वहाँ पर, और अभी जो चीज़ें सामने आई हैं इस प्रकार की सूचना मिली थी, एक तो अभी नौसर वाले सेंटर पे सूचना थी और एक हमारी थी यहाँ जंगल दूषण पे। दोनों जगह स्थानीय थाने बेलीपार और पिपराइच की मदद के माध्यम से क्राइम ब्रांच की टीम लगी थी। नौसर वाले सेंटर पे जो हमें सूचना मिली थी वहाँ हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए, बाद में यहाँ जंगल दूषण में जो विद्यालय हमारा पता है वहाँ पर सक्सेसफुल हुए और वहाँ से वहाँ पर मुर्गी की सूचना के बाद इन लोगों की गिरफ्तारी हुई। इसमें मल्टीपल आधार कार्ड और मतलब एडमिट कार्ड मिले हैं जो कि अरे फर्जी हैं, एक ही व्यक्ति के नाम पे हैं। अभी जो लोग आपके पीछे खड़े हैं, जो हमारे पीछे खड़े हैं, इसमें एक व्यक्ति है जो मतलब एग्ज़ाम जिसका देना था वो है बलजीत कुमार सिंह। बलजीत कुमार सिंह के बहुत सारे मल्टीपल आधार कार्ड हमको मिले हैं, तो ये इसमें ठीक है सुबोध का कन्फेशन है कि इस प्रकार की चीज़ें हम मतलब अभी करते आ रहे हैं। अभी बाकी इनके पास से जो भी मतलब फ़ोन वगैरह हमें प्राप्त हुए हैं और उनके माध्यम से इनके जो भी अब तो फेसबुक और जो भी इनका अलग अलग एप्लीकेशन है व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से तमाम डिटेल जो विवेचना में निकाली जाएगी, जिससे और स्पष्ट हो जाएगा कि ये रैकेट कब से कहाँ से और इसमें अन्य कितने लोग अभी सम्मिलित हैं। 2 मतलब गाड़ियाँ भी बिहार नंबर की हम लोग को बरामद हुई है जो मौके से छोड़ के भागे थे लोग, एक तो स्विफ्ट डिज़ायर है और दूसरा सियाज है, तो अभी हम उसको भी देख रहे हैं गाड़ियाँ किसकी है और उससे यहाँ कितने लोग आए थे, अगर यहाँ आए थे तो कहाँ रुके थे, यहाँ शहर के अब तो किस लाज या होटल में रुक रहे हैं, इन अभी अब तो सारी चीज़ों का मतलब इसके क्राइम साहब के निर्देशन में हम लोग इसके कार्य कर रहे हैं। आप जाने जितने भी लड़के सॉल्वर हैं या जो मतलब एग्ज़ाम दे रहे हैं सबके सब स्टूडेंट हैं, सबके सब पढ़ने वाले ही हैं या तो अब तो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, और ये जो मतलब आपका सुबोध है, सुबोध का कहना है कि मैं वहाँ की नालंदा बेगूसराय और इधर मतलब एक दो पटना वगैरह में भी लैंड का काम करता है, इसका कहना है कि अभी ये प्रोफेशनल एंगल मैंने इसका भी चेंज किया है और मैं इस रैकेट में शामिल हुआ। सूचना हमें मतलब बराबर मिल रही थी तो उसी के आधार पे ये गुडवर्क प्राइस थाना और क्राइम का चुनौती पैसे का भी कुछ है मामला बिल्कुल है, अभी वो सब भी जाँच और विश्लेषण का विषय।